स्वागत है आपका मनी लॉन्ड्रिंग केस में। रॉबर्ट वाड्रा से एक दिन में दूसरी बार ईडी की पूछताछ जारी है। लंच ब्रेक के बाद करीब डेढ़ घंटे से ईडी वाड्रा से पूछताछ कर रही है। लंच से पहले ईडी ने करीब 120 मिनट तक वाड्रा से पूछताछ की और आज ईमेल और लंदन में प्रॉपर्टी को लेकर वाड्रा से पूछताछ की गई। इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है, तीसरे दौर की पूछताछ है। कल पहले एक दौर की पूछताछ हुई, फिर आज दूसरे दौर की, और बताया ये जा रहा है, मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं कहेंगे कि खबरें लीक हो रही हैं, लेकिन ऐसी जानकारी है, ऐसा अनुमान भी है कि रॉबर्ट वाड्रा से कल सिर्फ बातचीत हुई थी। आज इस बातचीत के बाद उनके सामने प्रूफ और फैक्ट्स रखे गए और उसके बाद उनको क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है। बीच में लंच ब्रेक था जब वो अपने लोधी एस्टेट वाले घर पहुंचते हैं और फिर वापस आते हैं। पूजा शाली हमारे सहयोगी हमारे साथ है। पूजा, क्या क्या अपडेट है, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, पहले मैं आपको बता दूं क्यों ये ज़रूरी है। ये खबर इसीलिए ज़रूरी है कि रॉबर्ट वाड्रा यहाँ आए हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कभी किसी सेंट्रल प्रोब एजेंसी के सामने आके उन्होंने समन्स को आंसर नहीं किया था। तो कल जब वो आए और आज जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, ईडी का कहना है कि वो कन्विंस नहीं है। उनका मानना है कि और भी बहुत ऐसे सवाल हैं जो अभी तक उन्होंने आंसर नहीं किए हैं, जिनका जवाब ज़रूरी है। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि ये सारी एलिगेशंस बकवास हैं, कि उन्होंने किसी भी तरह की गलत कोई प्रॉपर्टी खरीदी है लंदन में या यूनाइटेड किंगडम में। मगर उनके वकील का कहना है कि वो पूरी तरह से कोऑपरेट भी करेंगे और वो साथ रहेंगे जब भी उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बुलाएंगे। अभी वकील जो है काफ़ी रिनाउंड KTS तुलसी वहाँ यहाँ पहुँचे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो हम उनसे अभी ये पूछ रहे हैं कि क्या उनका जो यहाँ पे आना है वो अराइवल क्या रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से है, उनको सपोर्ट देना है, किसी और केस की वजह से वो यहाँ पर है। तुलसी ने ही लंच ब्रेक KTS तुलसी ने ही पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर पूजा KTS तुलसी ने ही पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर रॉबर्ट वाड्रा के लिए 16 तारीख तक ये परमिशन दिलवाई थी कि किस तरीके से उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या ईडी के सामने पेशी जब रॉबर्ट वाड्रा की हो रही है तो KTS तुलसी उस टाइम पे, टेक्निकली मैं पूछ रहा हूं, अपेयर हो सकते हैं क्या, वहां पर सामने आ सकते हैं, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए वही, बिल्कुल वही जवाब उनसे पूछा गया, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल जब रॉबर्ट वाड्रा लेने गए थे उसी वक्त कोर्ट ने कहा नहीं, जाइए आप एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है आप उसके साथ कोऑपरेट करिए। तो इसीलिए वकील का यही कहना है जो भी उनके साथ आ रहे हैं कि हम सिर्फ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन उनका मानना यही है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं। तो क्यों KTS तुलसी आज यहाँ आए हैं, कल ऐसी कोई पेशी नहीं हुई थी, तो आज क्यों वो साथ आए, क्या कहना चाह रहे हैं और लंच के बाद क्यों आए? अगर आए हैं तो थोड़ा सा रोकूंगा आपको। KTS तुलसी वहां पर आए हैं, कल 6 घंटे की पूछताछ, फिर आज एक और राउंड की पूछताछ और फिर एक डेढ़ घंटे का लंच और रॉबर्ट वाड्रा वापस अभी ईडी से पूछताछ हो रही है। हमारे सामने जो पैनल है, आपको सबसे पहले बता दें हमारे साथ जो गेस्ट है प्रभात झा बीजेपी से हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और मेरे ठीक बगल में आलोक मेहता जी भी बैठे हुए हैं। पूजा शाली को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूजा स्टैंड बाय, हम आपके पास बीच में आते रहेंगे और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ। सबसे पहले अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो आज मोदी पर इतने बरसे की चोट से लेकर छवि और देश तक पर भिड़ गए। ध्यान से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा, आपने उनके चेहरे में अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे में घबराहट देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी को पूरा पता लग गया है कि हिंदुस्तान को बांटने से, नफरत फैलाने से हिंदुस्तान का राज नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर सकता है, अगर वो नहीं करेगा तो उसे हटा दिया जाए। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो मजदूरों की बात हो, गरीबों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, जहां भी आप देखें नरेंद्र मोदी की सच्चाई
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप लोगों ने देश को बताई, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को नागपुर से लगाया जाए और उनके चैनलों के बहुत का मोहन भगवत जी पूरे देश को पीछे से चलाए। बड़ी खबर एक और आपके सामने, प्रियंका गांधी आज अपना कार्यभार संभाल रही हैं। ये देखें आप, कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी, बारिश हो रही है। प्रियंका गांधी मुलाकात करने वाली हैं जनरल सेक्रेटरी के साथ, राहुल गांधी बताया जा रहा वहां पर मौजूद होंगे। कई सारी तस्वीरें आपके सामने। सुप्रिया इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी कांग्रेस ऑफिस से। सुप्रिया, क्या कुछ होने वाला है? सुप्रिया से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर अब आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आलोक जी, अगर शुरुआत, ये प्रियंका की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, तीन तीन बड़ी बड़ी चीजें होनी, एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने है, दूसरी तरफ यहां पर प्रियंका गांधी कांग्रेस दफ्तर में है। अगर ऑफिशियली बात की जाए तो आज कार्यभार संभाल रही है, हालांकि कल भी वो गई थी, लेकिन आज ऑफिशियली, क्योंकि आज बताया जा रहा है राहुल गांधी मौजूद होंगे और जनरल सेक्रेटरी के साथ उनकी मुलाकात होगी। ये देखिए प्रियंका गांधी अंदर घुसते हुए कांग्रेस दफ्तर में। तस्वीरें आपके सामने हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं अभी ये जो डिफाइन कर रही है, एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर में, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कांग्रेस ऑफिस में। पॉलिटिकली अगर इसकी बात की जाए, आलोक जी, सवाल ये है, क्या प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल एंट्री को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश थी ये रॉबर्ट वाड्रा की क्वेश्चनिंग ईडी से? देखिए मुझे लगता है कि देखिए वो चीजें निशांत भाई, जब से प्रियंका जी, मेरा आलोक जी, अब सर मेरा आलोक मेहता जी से सवाल है, आलोक शर्मा जी, आलोक मेहता जी से सवाल है, उनसे मैं आप मुझे सरनेम ले लो, ठीक है, एक मिनट सर, मैं आपसे पहले आप ले लो, हाँ बताइए आलोक जी। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से सरकार भी अपना धीमी गति जैसे चलती है, और लेकिन अदालत ने जब ये कहा कि आप कब जाएंगे, उस हिसाब से तय हुआ। अदालत ने चूंकि कहा है, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो ऐसा ही किया गया प्रिंट, लेकिन संयोग कहें या चुनाव के समय में दोनों पार्टियां तैयारी में थी कि हमारा पॉलिटिकल उस पर क्या होगा। ये केस आज का तो है नहीं, ये सारे जांच पड़ताल मनमोहन सिंह सरकार के समय से, मैं पहले भी बात आप बता चुका हूं कि मनमोहन सिंह सर जी के मीडिया एडवाइजर ने जब किसी एक अखबार को लीक किया, तब से रॉबर्ट वाड्रा को कंट्रोवर्सी में आए, फिर उसके केस की फाइलें खुलने लगी। चाहे बीच में थोड़ा सा रोकूंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन इस वक्त प्रियंका गांधी जो कांग्रेस ऑफिस में पहुंची हैं, मौसमी हमारे साथ लाइन पर आ चुकी हैं, और शायद उनके साथ आरपीएन सिंह भी हैं। मौसमी, क्या अपडेट है, क्या होगा अभी की आइटिनरी, क्या है प्रियंका की? जी निशांत, आपको बता दें कि मौसम तूफानी हो रहा है कांग्रेस ऑफिस में, पर इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा जब से सियासी अखाड़े में उतरी हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के चेहरे से चमक ही नहीं जा रही है। लोग ऊर्जा से, जो कार्यकर्ता हैं, तमाम नारेबाजी कर रहे थे। कुछ ही देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार एक ऐसी बैठक में हिस्सा लेने जा रही हैं जिसमें राहुल गांधी अध्यक्षता करेंगे, और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी एक झलक के लिए यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस में बैठे हैं। सुबह 9 बजे से ही पहरा है। आरपीएन सिंह साहब से बात करते हैं। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार इस तरह की बैठक, औपचारिक बैठक में हिस्सा ले रही हैं, क्या तय होगा और क्या उनके आने से कहें कांग्रेस में बाहर आई है? आपके चैनल में बाहर तो अवश्य आई है, और अगर आप देखेंगे उसी चैनल में से में क्या फर्क पड़ता है सर? प्रियंका, इसमें उनकी चर्चा आप कर ही रहे हैं, और जनता में और भारतीय जनता पार्टी जितनी चर्चा उनकी कर रही है, और आप समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने प्रहार किया है राजनीति में, नहीं किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन के स्पोक्समैन के बारे में और उनके नेताओं के नेता के बारे में उन पर किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उनको घबराहट नहीं होती क्या इस तरह की टिप्पणियां करते। कांग्रेस में कई महासचिव बने हैं, किसी पे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टिप्पणी नहीं की, पर जब से प्रियंका जी बनी है तब से रोजाना कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता टिप्पणी अवश्य करता है। और मैं प्रियंका गांधी भूचाल लाएंगी राजनीति में इस बारी लोकसभा चुनाव में, प्रियंका गेम चेंजर होंगी कांग्रेस के? देखिए पूर्वांचल का उनको
जगह मिला है, जो उनको महामंत्री बनाया है, तो पूर्वांचल में अवश्य एक गेम चेंजर का काम होगा। अगर नहीं होता तो आप खुद समझ सकती हैं। आप तो खुद ही पडरौना के हैं, तो पडरौना में क्या आपको प्रियंका के आने का, सियासी अखाड़े में उतरने का असर नजर आने लगा है क्या? नहीं, देखिए जहां मैं आपसे साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जितने कार्यकर्ताओं ने से कहीं खुशी कहीं गम, खुशी यहां पर कांग्रेस दफ्तर पर जहां प्रियंका पहुंची हैं, गम शायद वहां पर ईडी ऑफिस में जहां रॉबर्ट वाड्रा तीसरी बार पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तस्वीर ये जो प्रियंका गांधी पहुंची हैं कांग्रेस दफ्तर में, यहां खुशी है, और अगर बात की जाए कहीं गम कहीं खुशी तो गम वहां पर जहां ईडी दफ्तर में पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा। ये दो तस्वीरें अपने आप में आज के पॉलिटिकल सिनेरियो को बयां कर रही हैं, और इसी के मद्देनजर ये हमारा एक सवाल है जो मैं आलोक जी से पूछ रहा था और बाकी पैनलों से भी, सर इसमें किसका मूव ज्यादा स्ट्रांग है, ये रॉबर्ट वाड्रा की चॉइस थी या बीजेपी की तरफ से या की सरकार की तरफ से कि प्रीएम्प्ट किया जाए प्रियंका की एंट्री को? देखिए चुनाव का अंदाज सबको था, और इसलिए मैंने जैसे शुरू में भी कहा कम से कम ये पूरी पार्टी दोनों समझ करके आती है कि हमें किस समय क्या करना है, और इसलिए प्रियंका गांधी को एक आखिरी मोर्चे पर जिसको कहना चाहिए कि लगाना चाहिए कि ऐसे मौके पर आए तब चुनाव से पहले, और वो कहें कि देखिए एक सहानुभूति की लहर इंदिरा गांधी को लेकर के समय में जो उसको याद करते हैं तो लगता है कि इससे बड़ी हमें सहानुभूति मिलेगी। ये बात अलग है कि इंदिरा जी या संजय गांधी का एक युग था, उस समय कई बार जमीनी लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी, ये कुछ मामले दूसरी तरह के हैं जो राजनीतिक कम है, आर्थिक अपराध के मामले हैं जिसमें अदालत ही फैसला करेगी, और इसलिए हो सकता है ईडी की, देखिए मैं एक बार कहूंगा परीक्षा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि अग्नि परीक्षा यहां पर हर कोई दे रहा है, और ये दो तस्वीरें अपने आप में इस अग्नि परीक्षा की मिसाल है, पहले तो ईडी दफ्तर में वाड्रा और दूसरे में कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा उनके पति आज ईडी दफ्तर में तीसरी बार पेश हुए हैं, और प्रियंका गांधी दूसरी बार कांग्रेस दफ्तर जा रही है जब इसका अनाउंसमेंट हुआ है, और आज महासचिवों और कांग्रेस अध्यक्ष सबसे मुलाकात होगी। इस बीच राहुल ने अल्पसंख्यकों के साथ जो बैठक की उसमें जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे। आपने आपने दिल्ली से ऐसा शांत हो जाना, आपने दिल्ली से बिहार से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा है आपने? कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के लिए प्रियंका जिस वक्त पार्टी मुख्यालय पहुंची उस समय आज तक संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने क्या देखा, आप देखते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी वाड्रा से पहुंच चुकी है, और देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रही है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंची है, और उसके बाद यहाँ पे कार्यकर्ता जितने वो इकट्ठे हैं, पहली बारी जो है कांग्रेस की जो ऑफिशियल मीटिंग है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुलाई है उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची है। यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में भारी तादाद में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा था, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे पहुंचे थे, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा जो है पहुंची है, और वो जो है पहली बारी यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में जो मीटिंग बुलाई गई है जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस की उसमें हिस्सा लेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है यहाँ पर कल भी आई थी, उन्होंने चार्ज लिया, और उसके बाद जो है आज यहाँ पर फिर से पहली बारी ऑफिशियली वो जो है हिस्सा लेने के लिए आई है। कांग्रेस की जो मीटिंग होनी है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो है यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि 2019 के चुनावों को कैसे जीता जाए। सीधे चलते हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, ये जो यूफोरिया और ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रियंका को लेकर, क्या रॉबर्ट वाड्रा के ईडी में पेशी के बाद ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देश में ट्रांसलेट कर पाएंगे? देखिए मैं समझता हूं प्रियंका जी के अनाउंसमेंट और उससे पहले भी प्रियंका जी को लेकर तमाम कार्यकर्ता हमेशा से कहते रहे हैं कि उनको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। वो सक्रिय राजनीति में आई हैं, उनका कनेक्ट बहुत अच्छा है, जिस तरह से वो युवाओं को और तमाम लोगों को एड्रेस करती हैं, देश की जनता को एड्रेस करती हैं और तमाम समस्याओं को समझती हैं, मुझे लगता है उत्साह पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। जहां तक बात आपने रॉबर्ट जी के साथ जोड़ करके क्या उत्साह को हम ट्रांसलेट कर पाएंगे, ये मीडिया ट्रायल तो निशान जी 2012 से चल रही है, 2013 में बड़े बड़े भाजपा के लोगों ने एक दामादशीरी पुस्तक निकाली थी, उसके बाद आज तक क्या हुआ है मुझे नहीं लगता कि एक इंच जमीन भी जो उनके नाम पे रही हो उसका म्यूटेशन भी कैंसिल कर पाए हों।
2015 में एक एसएन ढीगरा कमेटी बनी थी, उसका क्या हर्ष हुआ, 10 जनवरी को पिछले महीने ही हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। राजस्थान में जो जमीनें थी 2007 में अलॉटमेंट थी, वो वसुंधरा जी के शासनकाल में थी, उसका क्या हर्ष हुआ वो भी देखा। एक क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर पाई बीजेपी की, ना राज्य सरकारें ना केंद्र सरकार। हाँ, मीडिया ट्रायल जरूर होता है। एक सेकंड सर, मीडिया ट्रायल इसलिए होता है। आलोक जी, आपने जो डेटा बताया एक्सेप्टेड, लेकिन ईडी हवा में तो तीर नहीं चलाएगा ना। देखिए, हवा में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, मैं अभी गुजरात में बैठा हूं, गुजरात का चुनाव है था जब, मुझे याद है मनमोहन सिंह जी के पाकिस्तान से कनेक्शन स्थापित हो गए, हम लोग पूरे मीडिया ने दिखाया था सर। नहीं सर, भाजपा क्या कर सकती है? मैं आपसे बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, इसका डायरेक्ट जवाब दीजिए मुझे। हम इधर उधर बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करते। क्या आपको लगता है ईडी बगैर किसी प्रूफ, बगैर किसी सबूत के रॉबर्ट वाड्रा को ग्रिल कर सकती है? क्योंकि ईडी के लिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा कि अगर वो बगैर प्रूफ के रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जाएंगे तो। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस देश के अंदर सीबीआई के दफ्तर को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेर सकती है, उस देश में कुछ भी हो सकता है। उनके पास सबूत है कि नहीं है, वो किस आधार पर क्या कर रहे हैं, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर क्या हो रहा है मीडिया को 1 घंटे के बाद पता चल जाता है। ये कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इससे एक मिलता जुलता परसेप्शन को लेकर एक सवाल है। लेकिन प्रभात जी, ईडी जो है वो इस पूरे मामले में, उनका जो कार्रवाई है वो भी क्वेश्चनेबल है कांग्रेस की नजर में। आप पर इसे एक संक्षेप में टिप्पणी सर। देखिए, कांग्रेस हमेशा ये बात कहेगी, उसको अब सीबीआई भी अच्छी नहीं लगती है, उसको ईडी भी अच्छा नहीं लगता है, और वो इसके सिवा कह क्या सकते हैं? वो ये कह नहीं सकते कि रॉबर्ट वाड्रा जी ने गलती की है, वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने लंदन में जमीन खरीदी है, वो यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी चला रही है। ये उनकी गलतफहमी है, ईडी अपना काम कर रहा है। मैंने पहले भी कहा, निशान जी अगर वो सही है तो सही रहेंगे, गलत है तो ईडी अपनी कार्रवाई करेगा, इसमें हम लोगों को कोई भी कुछ लेना देना नहीं। पॉइंट नोटेड। राहुल गांधी यहां पर अब कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं, सारे जनरल सेक्रेटरीज ऑलरेडी वहां पर हैं, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंच गई हैं, ये दोनों भाई बहन अगर बात की जाए। अब ये पहला मौका होगा जब इस तरीके से फॉर्मली सबके सामने कांग्रेस दफ्तर में ऐसे मुलाकात सबके सामने हो रही है। खबरें तो कहीं आती रही। आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, दो सवाल हैं और दोनों परसेप्शन से जुड़े हुए हैं। पहला परसेप्शन ये कि जो यूफोरिया प्रियंका गांधी का है, अगर उनके पति ईडी के दफ्तर में बैठे हैं तो क्या प्रियंका गांधी को लेकर वो उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ता देश में दिखा सकते हैं कि नहीं? एक दूसरा, जो अभी तक लगता है कि कांग्रेस, जो कार्रवाई चल रही है ईडी की चल रही है, लेकिन ईडी को क्वेश्चन जो कर रही है वो परसेप्शन जनता के बीच में नहीं फैला पाई है कि ईडी भी क्वेश्चनेबल है, आपकी क्या राय? ठीक है, दो चीजें। पहली बात तो जो आपने सवाल उठाया है प्रियंका गांधी को लेकर क्यों यूफोरिया है, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊं कि दोनों तरफ से राजनीति बहुत जम के हो रही है। कि चुनाव के ठीक पहले, जब 2-3 हफ्ते के बाद चुनाव अनाउंस होने वाला है, आप रॉबर्ट वाड्रा को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में बुलाते हैं, कल भी बुलाया, आज भी बुलाया, दिन भर आपने बुला के रखा। सवाल यह कि जब 2014 में दमादश्री नाम की पुस्तिका निकली थी राहुल रॉबर्ट वाड्रा पे, उसके एक साल पहले से आरोप लगे थे, तो पिछले 5 सालों में क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और मोदी सरकार आखिर उनके खिलाफ केस क्यों नहीं बना पाई और उनको जेल में क्यों नहीं भेज पाई, और अब अचानक उनसे पूछताछ करने की बात क्यों हो रही? तो लोग सवाल जरूर करेंगे। ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आने के लिए किया जा रहा है। मैं देखिए, आप दोनों साइड में रहे, आप पत्रकार भी रहे और आप राजनेता भी रहे, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये जरूर परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे, प्रियंका गांधी जरूर ये कोशिश करेंगे कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है,
यह परसेप्शन कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर बनाने की कोशिश करे। इसीलिए प्रियंका गांधी कल रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने गई और बाहर निकल के कहा कि मैं आदर्श भारतीय नारी की तरीके से, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने परसेप्शन बनाने की कोशिश की, मैं अपने पति के साथ खड़ी हूं, मैं भारतीय नारी हूं, भारतीय पत्नी हूं। तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। दूसरी बात, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स, इन तीनों की जो छवि है वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों के जमानों में इनका बेजा इस्तेमाल हुआ, दुरुपयोग हुआ है। इसलिए अगर ये कहते हैं कि ये कोई न्यूट्रल तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं तो आज इनकी बातों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि आप चुनाव के 3 हफ्ते पहले क्यों रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहे हैं। लोग इस बात को समझते हो, भारत की जनता बहुत समझदार है कि राजनीति हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है, कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है और बीजेपी की तरफ से हो रही है, और दोनों अपने कार्ड और पत्ते खेल रहे हैं। ठीक है आलोक जी, ये परसेप्शन की बात है। मैं आपको 2014 में फिर से लेके जाता हूं। हल्की रिपोर्ट नहीं थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट फाइल की थी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, जिसमें अलग अलग डील्स, जिसका आलोक जी भी अभी जिक्र कर रहे थे, आलोक शर्मा जी, उन सब का जिक्र था। और तब हमने देखा था कि कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा से दूरी बनाते हुए दिख रही थी, बड़ा प्रोमिनेंट था। 5 साल बाद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति को खुद ईडी के दफ्तर छोड़ के आ रही है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा पानी बह चुका है इस ब्रिज के अंडर और अब वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, क्या ये समझा जाए? देखिए, कॉन्फिडेंट होना, चूंकि लड़ाई जुझारू वो बने, इंदिरा गांधी की पोती है, इसलिए मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से वो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर गई है। लेकिन मैं एक बात निशांत जी कहूंगा, अशोक जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों पार्टियां करें। देखिए, दी मामलों की, मैं जहां तक कितने मामलों को हम लोग भी देखते रहे हैं, चाहे वो हवाला का रहा हो, दूसरे बोफोर्स का रहा हो, दूजी स्पेक्ट्रम का रहा हो, इन सब में जब आपको लिंक ढूंढना होता है, और हमारे यहाँ जो सिस्टम या जो भी कहें ब्यूरोक्रेसी, आप उसको खराब भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं। कलमाटी का कॉमनवेल्थ वाले मामले में वो भी जेल गए, तब तो उनकी सरकारें थी। आप ये देखिए ना, कनीमोजी क्या, तब भी कोई बायस होकर के किया गया था, उनकी सरकारें थी जिसमें वो सरकार के भागीदार थे। राजा क्यों गए? यदि कोई उसके बाद माफ छूट भी गए, हो सकता है कि इसमें बिल्कुल निरपराध निकल के आ जाए और सरकार के ऊपर तबाचा हो, जैसे अमित शाह जी के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए हुआ। तो सरकार जब करती है, पार्टियां करती हैं, तो उनके लिए नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये कहना कि खाली इसलिए हो रहा है, मैं मानता हूं कि इन्फोर्समेंट एजेंसी, सीबीआई, ये सबकी क्रेडिबिलिटी कांग्रेस बीजेपी सभी खत्म कर देंगे या देश की सारी पार्टियां, क्योंकि देखिए पप्पू यादव जब जेल जाता है तब तो वो पूरी किताब लिख देंगे। देखिए, मैंने बड़ा इतिहास काम किया, आज तो पप्पू यादव वैसे राहुल जी के साथ ही आ रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो कोई हर आदमी, लालू यादव भी यही कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ राजनीतिक भ्रष्टाचार हो रहा है। चारा कांड में 10, आपको सारा चुनाव तक अयोध्या मान लिया गया, चुनाव लड़ने के काबिल नहीं माना गया, अदालतों के फैसले हैं। तो इसको पोलिटिकलाइज करने की, जो जो कहीं अंदर से परिवार के लोग भी सदस्य होते हैं तो पोलिटिकलाइज करते हैं, निरपराध होंगे तो निश्चित अदालत को, अदालत बिल्कुल सबसे बड़ी ताकत है, अदालत नहीं तो कहा है, देखिए इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अदालत में यदि सबूत गलत साबित हो जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा। इतना हल्ला मचा, उसके बाद भी पावर में राजीव गांधी के बाद भी कांग्रेस पार्टी आ गई ना, वो फोर्स करने के बाद भी, उससे बड़ा हल्ला उस समय तो खाली 64 करोड़ का मामला था, यहाँ तो कई करोड़ों का, अरबों का मामला रहा है हमेशा, जिस तरह की जो हाल के घोटाले सामने आए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इसमें सबको क्रेडिबिलिटी बनाना चाहिए। कल वो भी सरकार कांग्रेस आकर के जब कुछ कहेगी गलत हुआ तो उसको भी कहेगी, देखिए अब आप आगे सरकार में, इसलिए आप उसको माफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल नहीं है। बहुत ही डायरेक्ट सवाल यहां पर पूछना चाहूंगा, प्रभात जी हमारे साथ हैं। प्रभात जी, आज राहुल गांधी जो अल्पसंख्यक थे उनके साथ उनकी एक सभा थी और राहुल गांधी ने बड़ा जोर से बोला कि देश का चौकीदार और वहां से आवाज आई पलट के चोर है। रॉबर्ट वाड्रा की क्वेश्चनिंग क्या इसी नारे का जवाब है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं निशान जी, पॉलिटिकल है वो, उनको प्रधानमंत्री की गरिमा का मर्यादा रखने का उनका स्वभाव नहीं है तो हम क्या करेंगे उसके लिए। लेकिन चौकीदार चोर है या नहीं है ये समय तय करेगा, और वो आज से नहीं, वो कितनी बार बोल चुके हैं, क्या उनको बोलना चाहिए? क्या इस देश की जनता को अच्छा लगता है? अपनी भाषा का प्रयोग वो कैसा करते हैं वो जाने, उनको करना है। सर, मेरे पास एक फ्रेश अपडेट आ रहा है प्रभात जी कांग्रेस दफ्तर से, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार, क्या क्या अपडेट है वहां से? कुमार विक्रांत, क्या अपडेट है वहां से? ये देखिए, राहुल गांधी जहां से, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आती है वहां से, चंद मिनट पहले राहुल गांधी जहां से, सोनिया गांधी आती है वहां से आए, और उससे पहले प्रियंका गांधी कांग्रेस के मुख्य गेट से आई।
कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल दिखा कि राहुल गांधी अध्यक्ष और प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी हैं। और बारिश के बीच में राहुल गांधी ने छाता छोड़कर जो यहाँ कार्यकर्ता तमाम मेरे दाईं ओर थे उनको उनसे मुलाकात भी की, और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सारे अंदर हैं और अंदर महासचिवों के साथ और जो राज्यों के प्रभारी हैं उनके साथ उनकी बैठक शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर 2019 के लिहाज से और उत्तर प्रदेश के लिहाज से इस बैठक में चर्चा बहुत संक्षेप में बताइएगा, मुझे ब्रेक पर जाना है, बहुत संक्षेप में बताइएगा, राहुल और प्रियंका की मौजूदगी क्या कांग्रेस के काडर कार्यकर्ताओं को रीग्रुप करने में कामयाब होगी? ऐसे आपको कहीं से इंडिकेशन दिखते हैं क्योंकि आप काफी इंटीरियर्स में भी जा चुके हैं? देखिए जनता के बीच क्या असर होगा ये तो बात की बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर है। आप देख सकते हैं मेरे दाईं ओर, मैं फिर कैमरामैन शकील से कहूंगा दिखाएं कि बारिश के बावजूद लोग यहां पर रेलिंग के पास खड़े हुए थे कि राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगे, उनसे मिले, और बारिश में भीग रहे थे, सर्दी का मौसम है, और राहुल जब आए तो उन्होंने छतरी छोड़कर इन लोगों से मुलाकात की और उसके बाद राहुल अंदर गए, तब जाकर लोग यहां से हटे हैं और जहां पे बारिश ना पड़े उससे बारिश से बचने के लिए पीछे गए, तब तक रुके हुए। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर है, लेकिन जनता में कितना असर होगा यही मेरा सवाल है, यही मैं सवाल हर एक से बार बार पूछ रहा हूं। ये तस्वीरें अंदर से हैं, जरा ध्यान से देखें आप, कौन कौन कहां कहां बैठा है ये समझने की बात है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके बगल में गुलाम नबी आजाद, पार्टी में हमेशा एक गाइडिंग फोर्स मोतीलाल वोरा भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, नो बल्कि हेगड़े दिखाई दे, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं, मोतीलाल वोरा वहां पर है, अंबिका सोनी वहां पर दिखाई दे रही हैं, पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग यहां पर बैठे हुए हैं। ये यहां पर फ्रेम राहुल के राइट साइड में करीब 6-7 लोगों के बाद बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तस्वीरें अंदर की हैं जहां पर बैठक शुरू हो रही है और सभी से मुलाकात हो रही है राहुल गांधी यहां पर अंदर आते हुए। बारिश हो रही है, यकीनन आज मौसम बड़ा बेईमान है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर में है और प्रियंका कांग्रेस दफ्तर। तो हम बात कर रहे हैं किस तरीके से ये आज दो बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, अभी हमें इंतजार है थोड़ी देर के अंदर, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा, लेकिन यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर में, एक ऑफिशियल एंट्री है। सीधे मैं चलूंगा, हमारे साथ और भी लोग यहां पर मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी, एक कोशिश की गई है कि किसी तरीके से ये प्रियंका, आलोक मेहता जी के पास जाऊंगा क्योंकि आलोक शर्मा जी यहां पर हमारे साथ नहीं है, आलोक मेहता जी, कोशिश की जा रही है कि प्रियंका का जो एक लास्ट डिच अटेम्प्ट है, मतलब एक जिसको कहते हैं ट्रम्प कार्ड के तौर पर प्रियंका को इस्तेमाल किया जाए, बट क्या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? मैं ऐसा मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि 1-2 साल पहले और आ गई होती, क्योंकि ये बात आप याद करें निशान जी, ये हम 2011-12 से कह रहे थे कि भाई देखिए यदि आती है, शायद 2014 में भी कांग्रेस की उतनी बदतर स्थिति नहीं होती, एक बड़ा लोगों को विश्वास था कि प्रियंका गांधी से खास करके पार्टी में, जिस तरह से बाहर अलग अलग अनुमान हो सकते हैं, और यदि वो 1-2 साल पहले से सक्रिय होती तो वर्कर्स के बीच में और इलाकों में भी उनको जाने का, अमेठी रायबरेली यूपी में कुछ इलाकों में वो जाती रही हैं, लेकिन उससे पार्टी को कम से कम संगठनात्मक काम के लिए, देखिए आप और हम यदि पर्दे के पीछे मतलब कैमरे के सामने बात न करें तो कांग्रेस के भी कई जो लोग हैं जो उम्मीदवार हैं यूपी में या राजस्थान में, वो लोग ये मानते हैं कि साहब पहले यदि होता तो एक हमारा सब जगह नेटवर्किंग बन जाता। अब 2 महीने में कितना ज़्यादा, ठीक है राहुल जी और प्रियंका जी के कंधे पर ही सब लहर आ जाए, ये भी एक है, एक समय में 1980 में जिस तरह से लहर आई थी। अब आशुतोष जी से पूछूंगा, आशुतोष जी क्या ये वो जैसे अंग्रेजी में कहते ना, इज इट आस्किंग टू मच एंड टू सून, क्या कम समय में बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं रखी जा रही? नहीं देखिए निशान, दो चीजें हमको समझनी पड़ेगी। पहली बात तो यह कि 2014 में कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई थी, उसके बाद उनके लिए एक अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया था, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो अब चूंकि 2018 के चुनाव में जहां भी, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव, वहां कांग्रेस जीती है। कर्नाटक में वो अपनी सरकार नहीं बना पाए लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने से रोक दिया, तो एक कहीं पॉजिटिविटी राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर पैदा हुई, ऐसा कांग्रेस का मानना है। तो उस वक्त उनको लगता है कि इस वक्त जितनी ज्यादा से ज्यादा ताकत हम झोंक सकते हैं उतनी ज्यादा से ज्यादा ताकत हम झोंक देते हैं।
क्योंकि अगर 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो न केवल कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े होंगे बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर भी गंभीर सवाल होंगे और कांग्रेस एक अलग तरीके से भी बिहेव कर सकती है। तो उस सारे संदर्भों को देखते हुए आज राहुल गांधी के साथ प्रियंका का आना महज बहन का भाई की मदद के लिए नहीं आना है बल्कि कांग्रेस पार्टी जिस रसातल में चली गई थी उस रसातल से उसको निकालना है। अब राजनीति के अंदर कहते हैं एक हफ्ते का वक्त बहुत वक्त होता है, तो क्या वो 2019 में भाई के साथ मिलकर पार्टी की किस्मत बदल पाएंगी नहीं बदल पाएंगी ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रही है, एग्रेसिव खेल रही है और डिफेंसिव कत्ता ही नहीं है। आज जैसे तलाक वाला मसला था वहां पर भी उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी ट्रिपल तलाक का कानून हम खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री इसके पहले कोई अनाउंसमेंट कर पाए, उन्होंने कहा कि भाई गरीबों को जो है पूरे देश के अंदर मिनिमम इनकम की गारंटी की बात करेंगे। तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, एग्रेसिव खेल रहे हैं, आक्रामक खेल रहे हैं। सही कह रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं लेकिन फ्रंट फुट पर बॉल अक्सर जो बाउंसर आती है उसमें छक्का ही नहीं लगता, उसमें बाउंसर मुंह पे भी लग जाती है। ये ट्रिपल तलाक वाला जो बयान दिया है ये बड़ा गौर करने वाला होगा ये कहां तक जाता है। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत की। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।